ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्णा श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 8 श्लोक संख्या 128 हमने कल केवल पढ़ा था, डिस्कस करते हैं। तो आप बैकग्राउंड यही है कि चैतन्य महाप्रभु और रामानंद राय का डिस्कशन चल रहा है, और जब भगवान ने बोला कि मैं पूरी तरह से संतुष्ट हो रहा हूँ, यही बात सुनना चाहता हूँ, इस बारे में बोलते रहिए, तो रामानंद राय कहते हैं कि ये मैं नहीं बोल रहा हूँ वास्तव में, ये आप मुझसे बुलवा रहे हैं, क्योंकि आप हृदय में परमात्मा बन के मेरे अंदर ज्ञान प्रकाशित कर रहे हैं, और बाहर भी आप ही हैं और अंदर भी आप ही हैं। तो हमने डिस्कस किया इसी तरह से, रामानंद राय तो शुद्ध भक्त थे, भगवान के सखी सखियों में से थे। हम लोगों के सामने बाहर रूप से गुरु होते हैं और अंदर से परमात्मा होते हैं, तो गुरु इसी तरह भगवान का एक एक्सटेंशन माने जाते हैं। तो उन्हीं के द्वारा हमारे हृदय में ज्ञान प्रकाशित होता है, हमारे अपने रिसर्च से नहीं होता है, हमारे समर्पण के भाव से जरूर होता है, त्याग के भावना से जरूर होता है। इस प्रकार से जब हम भक्ति में शरणागति करते हैं भगवान की, तो हमारे अंदर ये जो है कृष्ण के प्रति प्रेम उजागर होता है। हमने प्रेम के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था कि प्रेम किसको कहते हैं, वास्तव में गोपियों का प्रेम क्या है, जो कि त्याग से भरपूर है, और हमारे अंदर अभी बहुत सारी इच्छाएं हैं। तो लेकिन जब इस प्रकार से रामानंद राय बोलते हैं, तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि मैं तो केवल एक मायावादी व्यक्ति हूँ, मुझे कोई ज्ञान नहीं है, तुम मुझे मेरी इतना सम्मान इसलिए दे रहे हो क्योंकि मैं एक सन्यासी हूँ। तब वो इस श्लोक को बोलते हैं कि किबा विप्र किबा न्यासी शूद्र कहने नाया, यही कृष्ण तत्ववेता सही गुरु हाया। कोई चाहे ब्राह्मण हो या सन्यासी हो या शूद्र हो, यदि वह कृष्ण तत्व को जानता है तो वह गुरु बन सकता है। ठीक है, हमारा अक्सर डिस्कशन होता है इस मैटर के ऊपर कि ब्राह्मण कौन है, क्षत्रिय कौन है, शूद्र कौन है, उसके ऊपर भारतवर्ष में ये झगड़ा है, विदेशों में अलग तरीके का झगड़ा है, गोरे और काले का। लेकिन यहाँ पर तो ये बताया जा रहा है कि इवन इफ यू आर ब्राह्मण एज पर द शास्त्र, ब्राह्मण के जो गुण बताए गए हैं उसके हिसाब से यदि ब्राह्मण हो, या उसके हिसाब से अब क्षत्रिय हो, शूद्र हो या कुछ हो, तो भी बता रहे हैं कि वो फिर भी क्या है, या आप सन्यासी हो, इवन सन्यासी हो, तो चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं ये भी तो देहात्म बुद्धि है, क्योंकि देह के हिसाब से कोई सन्यासी है, कोई गृहस्थ है, और अलग अलग वर्ण आश्रम है, लेकिन वास्तव में हम सब क्या है, भगवान के नित्य दास हैं। जो इस बात को जानता है, वो तत्व को जानता है, और वो गुरु बनने के लायक है। इसका मतलब एक तो हो गया जाति प्रथा, जो कि बिल्कुल ही निकृष्ट हो गई, फिर एक हो गया जो जैनवीन वर्णाश्रम है, तो जैनवीन वर्णाश्रम में भी चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं कि ये भी किसके आधार पर है, शरीर के आधार पर है। इसलिए शरीर के अंदर, शरीर के ऊपर चेतना को समझना पड़ेगा हर व्यक्ति के, और चेतना अगर उसकी, यदि कृष्ण का दास वो अपने आप को मानता है, यानी कि कृष्ण तत्व को जानता है, तो वो गुरु बन सकता है, फिर चाहे किसी भी आश्रम में क्यों ना हो। तात्पर्य श्री प्रभुपाद और श्री प्रभुपाद की जय। ये श्लोक कृष्ण भावनामृत आंदोलन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। भक्ति विनोद ठाकुर ने अपने अमृत प्रभाव भाष्य में बताया कि किसी को भी यह नहीं सोचना चाहिए कि ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर तथा सन्यासी के उच्च पद पर रहते हुए श्री चैतन्य महापुरुष के लिए शूद्र जाति में जन्मे रामानंद राय से उपदेश ग्रहण करना अनुचित था, क्योंकि वो वर्णाश्रम में सबसे ऊपर थे, सन्यासी थे, और जन्म से भी ब्राह्मण थे। इस बात को स्पष्ट करने के लिए चैतन्य महापुरुष ने रामानंद राय को बताया कि कृष्ण भावना का ज्ञान जाति से अधिक महत्व, वर्णाश्रम धर्म प्रणाली में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्रों के विविध कर्तव्य हैं। वास्तव में ब्राह्मण को अन्य सभी वर्णों या जातियों का गुरु माना जाता है, किंतु जहां तक कृष्ण भावनामृत का संबंध है, वह कोई भी व्यक्ति गुरु बनने के लिए सक्षम है, क्योंकि कृष्ण भावनामृत का ज्ञान आत्मा के स्तर पर, कोई भी व्यक्ति से मतलब यहाँ पर है यही कृष्ण तत्व वेत्ता, जो कृष्ण तत्व को जानता है, उन्हें सर्वेश्वर मानता है, उनके प्रति शरणागति करता है, उनको ही अपना रक्षक, अपना पालनहार मानता है, और इस प्रकार से गुरु के प्रति यही विचार से शरणागति करता है, उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है, अपने आप को हम्बल सरल बनाने का प्रयास करता है, भौतिक लाभ की इच्छा का को त्याग देता है, डुअल नेचर को त्याग देता है, कि सामने कुछ और पीछे कुछ और, इस प्रकार से बहुत ही सरलता से वो त्याग समर्पण इत्यादि करता है, तो वो गुरु बनने लायक है। तो चाहे वह ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, शूद्र हो या वैश्य हो या सन्यासी हो या ग्रस्त हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यदि वह इस विज्ञान को समझता है तो वह गुरु बन सकता है। हरि भक्ति विलास में कहा गया कि
यदि उपर्युक्त ब्राह्मण उपलब्ध हो तो अब ब्राह्मण से दीक्षा नहीं लेनी चाहिए। यह उपदेश उनके लिए है जो सांसारिक सामाजिक व्यवस्था पर अत्यधिक आश्रित रहते हैं और सांसारिक जीवन बिताना चाहते हैं। तो अक्सर क्या होगा कि कई सारी ऐसी चीजें होंगी जो कृष्ण भक्त के लिए इतना आवश्यक नहीं रह जाएगी, क्योंकि वो सारे वर्णाश्रम के ऊपर, जैसे हम कहते हैं दैवीय वर्णाश्रम में चले जाते हैं, जैसा कल हम डिस्कस कर रहे थे कि शुद्ध सतोगुण में चले जाते हैं, इसलिए उन्हें सतोगुण के नियमों का पालन करने की भी आवश्यकता नहीं रहती है। लेकिन फिर भी वो कई नियम इसलिए पालन करते हैं ताकि यद यद आचरती श्रेष्ठा, ताकि लोग उनको देखें और कुछ गलत प्रथा न चल जाए, क्योंकि लोग उनकी एलिवेटेड स्टेज को तो नहीं पहचान पाएंगे लेकिन उनकी नकल जरूर मानने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए वह किसी सामाजिक स्तर के गुरु को स्वीकार कर सकता है। कौन सा व्यक्ति? जो जीवन की पूर्णता के लिए दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के इच्छुक है, किसी भी सामाजिक स्तर के गुरु को स्वीकार कर सकता है, बशर्ते कि वह कृष्ण विज्ञान को पूरी तरह से जानता हो। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी यह भी कहते हैं कि यदि कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ या सन्यासी है तो, और यदि वह कृष्ण विज्ञान को जानता है तो वह वर्तमान प्रदर्शक गुरु, दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु कुछ भी बन सकता है। इसीलिए हमारी संप्रदाय में आप जानते होंगे कि कई सारे गृहस्थ भी हैं जो दीक्षा देते हैं। आज की डेट में शिला प्रभुपाद के कुछ डिसाइपल्स हैं जो कि गृहस्थ आश्रम में है लेकिन वो दीक्षा गुरु भी हैं। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि सन्यासी ही दीक्षा दे सकते। आध्यात्मिक जीवन में के विषय में सर्वप्रथम जानकारी देने वाले वर्तमान प्रदर्शक गुरु कहा जाता है। वर्तमान प्रदर्शक यानी कि जिसने सबसे पहले जानकारी दी, क्योंकि पद प्रदर्शक गुरु कई बार शिक्षा गुरु से भी कंफ्यूज हो जाता ना, पद प्रदर्शक जो पद को दिखाए तो शिक्षा गुरु से कई बार हो जाता है, तो इसलिए उसको वर्तमान, ये ज्यादा अप्रोप्रिएट वर्ड लगता है, वर्तमान प्रदर्शक यानी कि जिसने पहली बार जानकारी दी, पहली बार बताया। आपको मालूम है वहां पर एक सेंटर है, वहां क्यों नहीं जाते आप? आपने ये पुस्तक पढ़ी, एक पुस्तक क्यों नहीं पढ़ते आप? इस तरह से उसको वर्तमान प्रदर्शक गुरु कहा गया। जो गुरु शास्त्रों के नियमानुसार दीक्षा देता है वह दीक्षा गुरु कहलाया, और जो ऊपर उठने के लिए शिक्षा देता है वह शिक्षा गुरु कहलाता है। तो आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा था, आप लोगों के संडे 4 to 6 में से जूम होता है, उसमें एक चैप्टर आया था IDC के हिसाब से। तो यहाँ पर प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं कि कौन दीक्षा गुरु है, जो शास्त्रों के अनुसार दीक्षा देता है, वर्तमान प्रदर्शक जो पहली बार आध्यात्मिक बारे में जानकारी देता है, और अंत में बताया शिक्षा गुरु जो शिक्षा देता है ऊपर उठने के लिए, आध्यात्मिक चेतना को ऊपर उठाने के लिए जो शिक्षा देता है वो शिक्षा गुरु कहलाता है। वास्तव में गुरु की योग्यता उसके तत्व ज्ञान के, कृष्ण तत्व के ज्ञान पर आधारित होती है, फिर चाहे वह ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, सन्यासी हो या शूद्र हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चैतन्य महाप्रभु ने महापुर द्वारा दिया गया आदेश शास्त्रों के आदेश के विरुद्ध नहीं है, क्योंकि पद्म पुराण में क्या कहा गया देखिए, उसमें बताया गया कि न शूद्रा भगवत भक्ता ते अपि भगवतोत्तम सर्ववर्णेषु ते शूद्रा ये न भक्ता जनार्दन। जो कृष्ण के विषय में आध्यात्मिक ज्ञान में वास्तविक रूप से उन्नत है वह शूद्र कुल में जन्म होने पर भी शूद्र नहीं होता, किंतु एक विप्र या ब्राह्मण अपने 6 ब्राह्मण कर्मों, पठन पाठन, यजा याजन, दान प्रतिग्रह तथा वैदिक स्त्रोतों में पटु क्यों ना हो, किंतु यदि वो वैष्णव नहीं है तो वह गुरु नहीं बन सकता। इसलिए समाज के हिसाब से जो ब्राह्मण है वो जरूरी नहीं है कि एक वैष्णव भी है, किंतु यदि कोई चांडाल परिवार में जन्म लेकर भी कृष्ण भावनामृत में दक्ष हो तो वह गुरु बन सकता है। ये शास्त्रों के आदेश हैं, और इन्हीं आदेशों का दृढ़ता से पालन करते हुए स्वयंवर नामक गृहस्थ के रूप में चैतन्य महाप्रभु को ईश्वरपुरी नामक सन्यासी ने गुरु ने दीक्षा दी। इसी प्रकार श्री नित्यानंद प्रभु को माधवेंद्रपुरी नामक सन्यासी ने दीक्षा दी, किंतु कुछ लोगों का कहना है कि उन्हें लक्ष्मीपति तीर्थ ने दीक्षा दी। इसी तरह अद्वैत आचार्य ने गृहस्थ होते हुए माधवेंद्रपुरी से दीक्षा ली, और ब्राह्मण कुल में जन्मे रसिकानंद ने श्यामानंद प्रभु से दीक्षा ली, जो ब्राह्मण कुल में उत्पन्न नहीं थे। ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं, जैसे कि हम जानते हैं कि नरोत्तम दास ठाकुर जो है ब्राह्मण कुल के नहीं थे, लेकिन उन्होंने तो कितनों को अपना शिष्य बनाया, कितने लोगों को मार्गदर्शन किया। ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जहाँ जन्मजात ब्राह्मण ने ऐसे व्यक्ति से दीक्षा ली जिनका जन्म ब्राह्मण कुल में नहीं था। भागवत में ब्राह्मण के लक्ष्य बताए गए, श्रीमद्भागवत में यस्य यल्लक्षणं प्रोक्तं पुंसो वर्णाभिवञ्जनं विवञ्जकं यदन्यत्रापि दृश्येत तत्तेनैव विनिर्दिशेत।
यदि शूद्र कुल में जन्मा कोई व्यक्ति गुरु के समस्त गुणों से युक्त हो तो उनका न केवल ब्राह्मण के रूप में स्वीकार करना चाहिए उनको, अपितु योग्य गुरु के रूप में स्वीकार करना चाहिए। यही आदेश चैतन्य महाप्रभु ने दिया। तो ये भागवत से भी हमने बताया, पद्म पुराण से भी बताया, इसलिए और चैतन्य महाप्रभु बता ही रहे कि बा विप्र की बान्यासी, तीन महान ग्रंथों में हमने डिस्कस किया। इसलिए श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने सारे वैष्णवों के लिए विधिवत जनेऊ संस्कार का सूत्रपात किया। कभी कभी यानी कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने तो ये तक कर दिया कि जो वैष्णव बन गया वो जनेऊ पहन सकता है, यानी कि वो ब्राह्मण के सारे गुण तो पहले ही अर्जित कर चुका है। किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि इस पद्धति को प्रचार कार्य के प्रयोग में लाया जाए। वैष्णव दो प्रकार के होते हैं, भजनानंदी और गोष्ठानंदी। भजनानंदी की रुचि प्रचार कार्य में नहीं होती है, किंतु गोष्ठानंदी लोगों के लाभ के लिए करता है। और हमने अभी सुना पठा पाठन यजा याजन दान प्रतिक्रिया, एक ब्राह्मण का सही बारे में जो ब्राह्मण है उसका काम ही यही है पढ़ना और पढ़ाना। इस प्रकार से जो बता रहे हैं कि जो गोष्ठानंदी है वो स्टेज पे है एक तरह से। भजनानंदी की रुचि प्रचार कार्य में नहीं होती, किंतु गोष्ठानंदी लोगों के लाभ के लिए कृष्ण भावनामृत के प्रचार कार्य में वैष्णवों की संख्या बढ़ाने में सदैव रुचि रखता है। इसलिए संख्या बढ़ाने में रुचि रखनी चाहिए। ये नहीं आया तो संख्या 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 करने, संख्या ही तो बढ़ानी है, क्यों नहीं बढ़ानी है? जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि जितनी ज्यादा संख्या होगी उतना ज्यादा उत्साह होगा, है ना। इसलिए उत्साह बढ़ाने के लिए समझ लीजिए ये अपनी एक दूसरे की रक्षा करने के लिए हमें हमें भक्तों की आवश्यकता है, भक्तों की संघ की आवश्यकता है। ओके, इसलिए संख्या बढ़ाने में रुचि रखनी चाहिए। वैष्णव को ब्राह्मण पद से ऊपर मानना चाहिए, वैष्णव को ब्राह्मण के पद से भी ऊंचा मानना चाहिए। संख्या बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे हमने सुनते हैं अक्सर, हमारा तो प्रभुपाद ने बोला प्रचार ही सारे, हम अपने आसपास जहाँ भी हो किसी तरह से लोगों को जोड़ने का प्रयास करते हैं, और से अधिक हर व्यक्ति कोशिश करता है कि मैं और व्यक्तियों को जोड़ूं। मैं इस साल में 10 20 30 40 लोगों को जोड़ूंगा, अगले साल में और जोड़ूंगा। लेकिन पूरे प्रोसेस में वो अपना वैष्णव जो अपनी साधना है उसको त्यागता नहीं, ठीक है। ओके, वैष्णव को ब्राह्मण के पद से ऊपर मानना चाहिए, प्रचारक के रूप में उसे ब्राह्मण की मान्यता मिलनी चाहिए, अन्यथा लोगों को उसके वैष्णव पद के विषय में गलतफहमी हो सकती है। किंतु वैष्णव ब्राह्मण का चुनाव उसके जन्म के आधार पर नहीं, उसके गुणों के आधार पर होता है। दुर्भाग्यवश जो बुद्धिमान नहीं है वे ब्राह्मण तथा वैष्णव के अंतर को नहीं समझ पाते, इस भ्रम में रहते हैं कि ब्राह्मण हुए बिना कोई गुरु नहीं बन सकता। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने श्लोक में कहा कि किबा विप्र किबा न्यासी, यदि कोई गुरु बन जाता है तो वह स्वतः ब्राह्मण हो जाता है। क्योंकि उसके कार्य देखी ना, अभी हमने कार्य सुने, पठा पाठन, शास्त्रों को पढ़ना, शास्त्रों को पठान पढ़ना पढ़ाना, यज्ञ करना यानी कि कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करना, या हरि नाम करना और हरि नाम करवाना, दान प्रतिग्रह दान देना और दूसरों को दान देने के लिए प्रोत्साहित करना। तो इस प्रकार से हमें क्या करना चाहिए, ये सारे ब्राह्मण के कार्य हैं। इसलिए हमने यहाँ बोला कि जो व्यक्ति गुरु बन जाता है वो स्वतः ही ब्राह्मण बन जाता है, क्योंकि वो यही सारे कार्य करता है। कभी कभी जाति के गुरु कहते हैं कि ये कृष्ण तत्व वेता से ही गुरु है, का अर्थ यह नहीं है, यह है कि जो ब्राह्मण नहीं है वह शिक्षा गुरु या वर्त प्रदर्शक गुरु तो बन सकता है, लेकिन दीक्षा गुरु नहीं बन सकता है। ऐसे जाति गुरुओं के अनुसार जन्म और कुल तो सर्वोपरि है, जन्म तो सर्वोपरि है। हाँ, किंतु वैष्णव को कई बार हम लोगों में से ब्राह्मण, कुछ लोग ब्राह्मण होते हैं वो अपने ब्राह्मण पे बड़े अटैच्ड होते हैं उसी से, इसलिए उसको कभी भी वो ये बात जरूर कहते हैं कि जन्म के आधार पर ही सब कुछ है। देखिए जन्म तो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जन्म से आपको एक ऐसा माहौल मिलता है। और भगवान भी गीता में कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी भक्ति पूरी ना करने में समर्थ रहता है, समर्थ नहीं हो पाता है पूरी करने में, और दोबारा जन्म लेता है, उसको मैं भक्तों के यहाँ पैदा करता हूँ। तो पहले तो बोला भक्तों के यहाँ पैदा करता हूँ, यानी कि ब्राह्मणों के यहाँ जाति, मतलब ऐसी जगह पैदा करते हैं जहाँ पर वो अपनी भक्ति को पूरा कर सके। इसलिए जन्म तो इम्पोर्टेंट था ही, और पहले ऐसा ही था क्योंकि वर्णाश्रम सिस्टम था, एक क्षत्रिय के यहाँ एक बच्चा पैदा होता था उसको बचपन से ही क्षत्रिय होने की ट्रेनिंग मिलती थी, इसलिए नेचुरली अगर किसी को क्षत्रिय बनाना है तो उसको राज परिवार में जन्म दे दिया जाता था। और ब्राह्मण के अंडर में सारे लोग ब्राह्मण का ही काम करते थे, इसलिए जिसको ब्राह्मण इत्यादि बनना था, भगवान का भक्त बनना था, तो वो वहीं पैदा होता था क्योंकि वैसे। अब लेकिन ऐसा नहीं रहा है, क्योंकि अब जो है जात से ब्राह्मण है लेकिन काम से ब्राह्मण नहीं है। अब ऐसे के घर में यदि ब्राह्मण पैदा हो कोई, तो उसको तो वो भगवान का जो प्रॉमिस है कि मैं भक्तों को वहीं पैदा करता हूँ, तो वो तो टूट जाएगा ना। जाति ब्राह्मण के यहाँ पैदा किया लेकिन वहाँ कोई भी भगवान का कार्य नहीं होता है, जैसे जैसे कि आजकल शहरों में होता है,
कई लोगों ने अपनी चोटी बनाई हुई है, कुछ करी हुई है, लेकिन वो नौकरियां करते हैं नॉर्मल, उनके पूरे दैनिक कार्य में ये काम ही नहीं है जो वैष्णव या ब्राह्मण को करना चाहिए। इसलिए आज की डेट में ये जन्म जन्म इम्पोर्टेंट था, लेकिन अब इम्पोर्टेंट नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि अब जो है परिवार में इस तरह के कार्य होते ही नहीं है जहाँ पर नेचुरल ट्रेनिंग मिल सके। तो नेचुरल ट्रेनिंग की वजह से वो वहीं पीढ़ी दर पीढ़ी वैसे ही पैदा होते थे लोग, लेकिन अब जो है सब ने अपना जो वर्णाश्रम है त्याग दिया है। हर कोई सोचता है अपॉर्चुनिटी कैसे मिले, जहाँ पे ज़्यादा नोट कमाने को मिल रहे हैं वो कर लिया जाए, क्या फर्क पड़ता है कि मेरी जाति क्या है कि नहीं। हर कोई ये सोचता है कहाँ पैसा मिल रहा है वहाँ जाना है। एज ब्राह्मण का बेटा ये नहीं सोचता कि मैं यही काम करूँगा चाहे कितना पैसा मिले। तो इस कारण से अब जन्म के हिसाब से इसको आंकना गलत हो जाएगा। इसलिए उनके यहाँ जो पैदा होते हैं वो बच्चे भी ब्राह्मण नहीं होते हैं, जैसे कि हमने सुना था शास्त्र में भगवान कहते हैं कि वहीं पे पैदा करता हूँ, क्योंकि वो उसको वहाँ पे वो ट्रेनिंग मिलेगी नहीं, वो एनवायरनमेंट ही नहीं मिलेगा। लेकिन एक व्यक्ति है जो जात से ब्राह्मण नहीं है और पूरे ब्राह्मण के कार्य कर रहा है, जैसे हम शास्त्रों को पढ़ा रहा है ये सब काम कर रहा है, तो उसके यहाँ पर कोई भक्त जरूर पैदा होगा चाहे उसकी जात कुछ भी हो। इस प्रकार से ये जात के हिसाब से अब जितना साइंटिफिक नहीं रहा है, हालांकि ये ऐसा नहीं है टोटली गलत था, लेकिन खासतौर पर कलयुग में तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो कुछ लोग कहते हैं कि वो दीक्षा गुरु नहीं बन सकते, लेकिन ऐसे जाति गुरुओं के अनुसार जन्म तथा कुल को सर्वोपरि माना जाता है, किंतु वैष्णव को यह वंश परंपरा का विचार मान्य नहीं है। ठीक उसी तरह से जैसे कि वकील का बेटा वकील नहीं होता है, हालांकि वकील का बेटा अगर वकील के घर में पैदा और वो वकालत कर रहा हो तो बहुत चांस होते हैं कि उसको ऐसी ट्रेनिंग मिल जाती है कि वो वकील बन जाए। लेकिन वकील साहब का बेटा अगर एक व्यावसायिक व्यक्ति बन जाए, बन ही सकता है। बेटे ने MBA कर ली कहीं से, उसके बाद उसने कोई अपना काम खोल लिया, तो क्या उसके यहाँ भी फिर वकालत वकील पैदा होगा? तो इस तरीके से समझने का प्रयास कीजिए। जब तक हम श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा स्थापित नियम को स्वीकार नहीं करते, तब तक यह कृष्ण भावनामृत आंदोलन सारे विश्व में नहीं फैल सकता। जब तक इस बात को उनके चैतन्य महाप्रभु ने जो बोला है उसको एज इट इज नहीं फैल स्वीकार कर लेते। श्री चैतन्य महाप्रभु की आंतरिक इच्छा थी कि सारे पृथ्वी में सारे नगर में भगवान के प्रचार हो, चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय का प्रचार सारे विश्व में किया जाना चाहिए, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि लोग उनकी शिक्षाओं को ग्रहण करके शूद्र या चंडाल बने रहे। ये नहीं कह रहे यहाँ पर, क्योंकि कोई शुद्ध वैष्णव के रूप में प्रशिक्षित हो जाए उसका प्रमाणिक ब्राह्मण के रूप में स्वीकार करना चाहिए। इस श्लोक में चैतन्य महाप्रभु का यही सार है। तो कहने का सिंपल से मतलब यह है, हम लोग कम से कम अपनी जातियों और अपने उसके पीछे अटैच ना रहें। कई बार हम बहुत अटैच हो जाते हैं, खासतौर पर यदि हम उच्च जाति के हैं तो हम उससे बड़ा अटैच रहते हैं। यस आई एम दिस आई एम दैट, कम से कम उसको तो त्यागी इतना तो करिए उसके लिए, क्योंकि जितना डिटेल में बताया गया यहाँ पर, क्योंकि उसके आधार पर आप कोई ब्राह्मण नहीं है। सच मायने में ब्राह्मण अपने कर्मों से जाना जाएगा। और इसी तरह से जब हमारा विवाह इत्यादि हो, इतना शास्त्र सुनने के बाद भी यदि विवाह इत्यादि समारोह में आप फिर से वही ढूंढ रहे हैं ब्राह्मण भक्त क्षत्रिय भक्त, तो वो समस्या है। समझ में आ गया? ओके। सन्यासी बलिया मोर ना करी वचन वंचन, कृष्ण राधा तत्व कही पूर्ण कर मन। ये चैतन्य महाप्रभु ने आगे कहा, आप मुझे विद्वान सन्यासी समझकर ठगने की चेष्टा ना करें, कृपया आप राधा और कृष्ण के तत्व का वर्णन करके मेरे मन को संतुष्ट करें। क्या बोले जा रहे हैं आप कि मेरी वजह से है, मैं तो ये हूँ मैं तो हूँ। आप मुझे ठगने का प्रयास मत कीजिए, ये मधुर रस से मुझे वंचित ना कीजिए। कृपया बोलिए राधा और कृष्ण का वर्णन कीजिए। यद्यपि राय प्रेम महाभागवत, तार मन कृष्ण माया नारे अच्छा दिते, तथापि प्रभुर इच्छा परम प्रबल, जानी लेह रायर मन हैल टल मल। श्री रामानंद राय भगवान के महान भक्त थे तथा भगवती प्रेमी थे रामानंद राय, और यद्यपि उनका मन कृष्ण की माया से कभी भी आच्छादित नहीं किया जा सकता था और वे महाप्रभु के दृढ़ और गंभीर मन की बात समझ सकते थे, फिर भी रामानंद राय का मन कुछ कुछ विचलित हो उठा। तो हम लोग भगवान की माया शक्ति से अक्सर आच्छादित हो जाते हैं, हमारी चेतना ढक जाती है, हमारे अंदर ऐसी फीलिंग्स आ जाती हैं, तो ये क्या है, माया से आच्छादित हो जाते हैं। लेकिन रामानंद राय ऐसे नहीं थे, वो कभी माया द्वारा आच्छादित नहीं किए जा सकते, लेकिन फिर भी उनके मन में कुछ आया। सुनते हैं, प्रभुपाद बताते हैं कि पूर्ण भक्त सदा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की इच्छाओं के अनुरूप कार्य करता है।
किंतु भौतिकतावादी व्यक्ति माया की लहरों में बह जाता है। भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि माया वशे या छे भेसे खाचे हाड़ू डूबू भाई, भौतिक शक्ति के चंगुल में रहने वाला व्यक्ति सदैव माया की लहरों में बह जाता है। दूसरे शब्दों में भौतिक जगत में मनुष्य माया का दास रहता है, जबकि आध्यात्मिक शक्ति में रहने वाला मनुष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का दास होता है। यद्यपि रामानंद राय जानते थे कि चैतन्य महाप्रभु से कुछ भी छिपा नहीं है, फिर भी उस विषय पर महाप्रभु की इच्छा के कारण आगे बोलने लगे। क्या बोला उन्होंने? राय कहे आमी नट तुमी सूत्रधार, यही मत न चाहो तैचे चाही नारी बार नाची बार। रामानंद राय ने कहा मैं तो केवल नाचने वाली कठपुतली हूं और आप रस्सी खींचने वाले हैं, आप मुझे जैसे नचाएंगे मैं वैसा नाचूंगा। यदि आप चाहते हैं कि मैं राधा कृष्ण के विषय में बोलूं तो आपकी प्रसन्नता के लिए मैं बोलूंगा, लेकिन मेरे सिर्फ लिप्स खुलेंगे, वास्तविक रूप से तो आप बोल रहे होंगे, जैसे कि कठपुतली चलाने वाला ही उसके हाथ पैर हिला रहा होता है। तो मनुष्य को हमेशा यही सोचना चाहिए कि जो भी वो कर रहा है वो वास्तव में भगवान और वैष्णव की कृपा से ही कर पा रहा है। उसकी जो भी वो योग्यता भी उसको प्राप्त है, हमारे अंदर जो भी योग्यता है वो भी कृष्ण के द्वारा ही प्रदान है। उसको कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि ये कार्य उसके द्वारा संपन्न किया गया। मोर जिव्या वीणा यंत्र तुमी वीणा धारी, तोमार मन यही उठे ताही उच्चारी। हे प्रभु मेरी जीव वीणा के समान है, आप इस वीणा के वादक हैं। वीणा अपने आप से तो नहीं बज सकती ना, वीणा यहाँ पर रखी है उसमें इतने सुंदर सुर निकल सकते हैं, इतनी सुंदर आवाज होती है, सतोगुणी आवाज वीणा की। लेकिन अगर वो पड़ी रहे सालों साल तो उसमें से ध्वनि की एक एक जरा सी भी ध्वनि नहीं निकल सकती है। उस ध्वनि पे कोई वादक चाहिए जो उसको बजाता है, तब उसमें से आवाज निकलती है। इतने बता रहे हैं कि मेरी वाणी तो वीणा के समान है लेकिन बेकार पड़ी है, आप उस वीणा के धारी हो, वादक हो, अतएव जो आपके मन में उठता है मैं उसी ध्वनि को उत्पन्न करता हूँ। बजाने वाला सोचता है मैं ये वाला राग बजाऊंगा तो वीणा कहती है नहीं नहीं मैं तो ये वाला राग नहीं बजाऊंगी, मैं तो ये बजाऊंगी। वो तो उसका काम केवल बजना है, ऐसे बोल रहे हो कि बजा तो आप रहे हो, वास्तव में मैं तो केवल ध्वनि निकाल रहा हूँ। कौन सी सरगम बजेगी कौन सा राग बजेगा इसके डिसीजन मेकर आप हो। तो इस तरह से हमारा चरित्र होना चाहिए कि हम गुरु के हाथ पर एक प्रकार की वीणा कठपुतली मृदंग ढोल बन जाए और हमें बजाया जाए, हम केवल आवाज निकालें, जैसी ताल पड़े वैसी आवाज निकालें। बिल्कुल कभी आपने देखा है हा? तबला मृदंग कितना कंसिस्टेंटली बजते हैं। कभी ऐसा है कि है ना, कई ऐसा होता है कि तबले में अगर तबला लिया जाए मृदंग लिया जाए जो उसका गोल आकार होता है, उसमें ऐसा नहीं कहीं पर भी मारोगे तो एक जैसी आवाज़ निकलेगी, उसमें अलग अलग जगह मारने से अलग अलग तरह की आवाज़ निकलती है, क्योंकि हम महसूस नहीं हो, हमें तो लगता है कि बस पीटा जा रहा है, या हम नौसिखिए जब होते हैं तो केवल पीटते हैं, लेकिन जो मृदंग के असली कलाकार हैं वो जानते हैं कि कहाँ पर बजाऊँगा, बीच वाले काले हिस्से पर बजाऊँगा, कोने पर बजाऊँगा, एक उंगली दो उंगली क्लोज ताल ओपन ताल ये चीज़ें। तो हमें वैसे ही रहना पड़ेगा, जैसा बजाया जाए कंसिस्टेंटली हर बार उतनी ही आवाज निकल रही है। ऐसा नहीं कि आज मेरा मूड नहीं है, आज मेरे साथ ऐसा हो गया। मृदंग कभी कहता है कि नहीं 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 आज मैं थका हुआ हूँ, आज नहीं बजूंगा ठीक से, या आज ऐसा हो गया मेरे साथ, मेरे को किसी ने आज बोल दिया है। तो इस तरह से रामानंद राय कह रहे हैं जैसा आप बजाएंगे, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है। परम ईश्वर कृष्ण स्वयं भगवान, सर्व अवतारी सर्व कारण प्रधान। फिर रामानंद राय कृष्ण तत्व पर बोलने लगे, उन्होंने कहा कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, वे आदि ईश्वर हैं, वे समस्त अवतारों के उद्गम हैं और समस्त कारणों के कारण हैं। कृष्ण तत्व पर बोलने लगे और उन्होंने कृष्ण तत्व के बोलने कृष्ण को पहले डिफाइन किया, हु इज कृष्णा, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान आदि ईश्वर। आदि ईश्वर का मतलब हम आपको बता चुके हैं, प्रथम पर्सन फर्स्ट पर्सन, समस्त अवतारों के उद्गम, जैसे कि हमने भागवत में भी सुना था कि इंद्रा रिव्या कुले राजम मृणयंती युगे युगे एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान सर। ये सारे अवतार भगवान के अंश हैं, अंशों के अंश हैं, लेकिन कृष्ण क्या है, सारे अवतारों के उद्गम हैं, स्रोत हैं। उन्होंने इसको डिफाइन किया पहले, बोलते हैं अनंत वैकुंठ आर अनंत अवतार, अनंत ब्रह्मांड यहाँ सवार आधार। वैकुंठ ग्रहों की संख्या अनंत है और अवतार भी असंख्य हैं, भौतिक जगत में असंख्य ब्रह्मांड है और कृष्ण उन सब के परम आधार है। देखिए हमारे शास्त्र बहुत पुराने लिखे गए हैं, आप जानते ही हैं,
चैतन्य चरिता में तो फिर भी लगभग 500 साल पहले की है लिखी गई, लेकिन हमारे शास्त्र भागवत इत्यादि तो पता नहीं कब लिखे गए, कब बोले गए। और तभी से बताया गया कि अनंत लोक है, ब्रह्मांड है। देखिए अभी जो है ना, अभी तो हम फिर भी थोड़ा एरोप्लेन से ट्रेवल कर लेते हैं, थोड़ा सैटेलाइट व्यू से देख लेते हैं नवग्रहों को, सूर्य के प्लैनेटरी सिस्टम को हम देख पाते हैं, लेकिन ये सब चीज़ें बहुत पहले से अवेलेबल नहीं थी, आप जानते हैं। उस वक्त ऐसा बोलना कि अनंत ब्रह्मांड है, ये बड़े अजूबे की बात थी। आजकल ये अजूबा नहीं लगता है पढ़ के, लेकिन इतने पुराने इतिहास में ये बोल देना कि अनंत ब्रह्मांड है, अनंत लोक है, ये है वो है, ये बहुत बड़ी बात है, जो कि आज की डेट में कैसे प्रूव होती है। इसलिए हम बता रहे हैं कि असंख्य है, वैकुंठ भी असंख्य है। अभी तो हमें फिर भी सैटेलाइट व्यू के द्वारा बहुत ही लिमिटेड व्यू है, इस व्यू को इसलिए हमें मान लेना चाहिए कि वैकुंठ ग्रह अनंत है, अवतार भी अनंत है, और भौतिक जगत के ब्रह्मांड भी बहुत सारे हैं। लेकिन उन सब के आधार कौन है, चाहे आध्यात्मिक जगत हो या भौतिक जगत हो, उन सब के आधार हैं कृष्ण, ऐसा वो बोलते हैं। सच्चिदानंद तनु व्रजेंद्र नंदन सर्वेश्वर सर्वशक्ति सर्वरस पूर्ण श्री कृष्ण वह दिव्य, श्री कृष्ण का दिव्य देह सनातन है। भगवान का देह कैसा है, श्री कृष्ण का दिव्य जो है देह सनातन है। ध्यान रखिए यहाँ पर बार बार कृष्ण के लिए बोला जा रहा है, विष्णु के लिए भी नहीं बोला जा रहा है, हालांकि विष्णु और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, लेकिन जो ओरिजिनल स्वरूप है वो कृष्ण बोला जा रहा है। इसलिए श्री कृष्ण का दिव्य देह सनातन है, हमेशा रहने वाला है, वैसे का वैसा ही रहता है, और आनंद से और ज्ञान से पूर्ण है। कभी भगवान दुखी नहीं हो सकते हैं, जैसे सूर्य के सामने कभी अंधेरा नहीं आ सकता है, भगवान के साथ कभी दुख नहीं हो सकता है। दुख तो वास्तव में हम लोगों को होता है माया के कारण, क्योंकि हम इस शरीर को अपना मान लेते हैं, इससे संबंधित चीज़ों को अपना मान लेते हैं, और उसके कारण बहुत सारे दुख होते हैं। तो भगवान के साथ कैसा दुख, ज्ञान से पूर्ण है, वे नंद महाराज के पुत्र हैं, ये बड़े भाव से बोला जाता है, क्योंकि भगवान अभी अभी बोला गया आदि पुरुष है, तो आदि पुरुष का कोई पिता नहीं हो सकता, ध्यान रखिए। लेकिन जैसा हमने डिस्कस किया था, भगवान को प्रेम करने के अलग अलग रस होते हैं, दास्य रस, साखी रस, वात्सल्य रस। तो ये वात्सल्य रस में कुछ भक्त परमानेंट उसी रस में होते हैं, परमानेंटली उसी रस में होते हैं, इसलिए अलग अलग अवतारों में वो भगवान के उसी रस में आते हैं। तो नंद महाराज ऐसे एक व्यक्ति हैं जो भगवान के, समझ लीजिए हर प्ले में, जैसे एक एक्ट्रेस थी एक ज़माने में, बहुत पुरानी एक्ट्रेस थी, निरुपराय राय समथिंग लाइक दैट, वो हमेशा से माँ का ही रोल, हर पिक्चर में माँ ही बनेगी, वो हीरो की माँ, उस पर टैग लग जाता है ना कि ये यही रोल करेगा, क्योंकि वो उसमें परफेक्शन पा चुका है, वो रोने की कला समझ चुकी है, कैसे बोलना है। उसी तरह से भगवान के भक्त पर्टिकुलर रस में स्थापित हो गए हैं, उसमें बड़ा आनंद है भगवान को भी उनको भी, तो इसे परमानेंट रोल मिला हुआ है भगवान का पिता बनने का, इसलिए वो नंद के पुत्र हैं, वे समस्त ऐश्वर्यों शक्तियों और दिव्य रसों से पूर्ण है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम, ब्रह्म संहिता से लिया गया। गोविंद के नाम से विख्यात कृष्ण परम नियंता है, कंट्रोलर, सुप्रीम कंट्रोलर, ही इज नॉट ईश्वर, ही इज परमेश्वर। उनका शरीर शाश्वत है, आनंद से भरा है, आध्यात्मिक है, सबके वो उद्गम है, समस्त कारणों के कारण है, उनका कोई और कारण नहीं है, ऐसा कौन बोलता है, ऐसा ब्रह्मा जी बोलते हैं। वृंदावन अप्राकृत नवीन मदन काम गायत्री काम बीजे यार उपासन, वृंदावन के आध्यात्मिक क्षेत्र में कृष्ण चिरन वीन आध्यात्मिक कामदेव है, ऐसा हम डिस्कस कर रहे थे भागवत पढ़ते हुए, कि भगवान कामदेव से कभी विचलित नहीं हो सकते हैं, क्योंकि भगवान तो स्वयं कामदेव को बनाने वाले हैं, वो काम को, कामदेव को मोहित करने वाले हैं, इसलिए उनका नाम है मदन मोहन, इसलिए उनको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, दिव्य ट्रांसेंडेंटल कामदेव, आध्यात्मिक जगत के आध्यात्मिक कामदेव है, उनकी पूजा आध्यात्मिक कामदेव है, क्योंकि सबको अट्रैक्ट कर लेते हैं कामदेव, तो कुछ ऐसी स्थिति पैदा करता है, लेकिन भगवान तो उनके होने से ही सब लोग उनसे अट्रैक्ट करते हैं, इसलिए आध्यात्मिक कामदेव है, उनकी पूजा आध्यात्मिक बीज क्लीम के साथ काम गायत्री मंत्र का उच्चारण करके की जाती है। ओके, ब्रह्म संहिता में वृंदावन का वर्णन हुआ है, क्या वर्णन हुआ है जी ब्रह्म संहिता में वृंदावन का, वृंदावन का आध्यात्मिक क्षेत्र सदैव आध्यात्मिक रहता है, वहां पर लक्ष्मी और गोपियां सदैव विद्यमान रहती हैं, वे कृष्ण को प्रिय हैं,
और वे सब भी कृष्ण के समान आध्यात्मिक है। जब भगवान के धाम में एक आध्यात्मिक आत्मा ही जा पाती है जो सारे कलेशों से मुक्त हो चुकी है, नहीं तो यहाँ जिंदगी में कलेश ही नहीं खत्म होते हैं, हमारे हमारी हमारी लस्ट, हमारे एंगर और जो इन सब चीज़ों की वजह से व्यक्ति हमेशा ग्रस्त रहता है, ईर्ष्या से ग्रस्त रहता है, द्वेष से ग्रस्त रहता है। इसलिए ऐसे लोगों का भगवान के धाम में जाने का कोई चांस नहीं है। वहां पर सारे लोग आध्यात्मिक बता रहे हैं। वृंदावन में कृष्ण परम पुरुष हैं और वे समस्त गोपियों के तथा लक्ष्मियों के पति हैं। वृंदावन के वृक्ष कल्प वृक्ष होते हैं, हाँ, जो कि किसी भी डिजायर को पूरा कर सकते हैं। वहां की भूमि चिंतामणि से बनी है, चिंतामणि, हाँ, वे और अमृत जल अमृत अमृत है। सारे शब्द संगीत की ध्वनियां हैं, सारी गतियां नृत्य है, यानी कि कोई चलता है तो कैसे चलता है, नाचते हुए चलता है, कुछ बोलता है तो कैसे बोलता है, गाते हुए बोलता है, हाँ, यानी कि सारे वहां पे कवि हैं, सारे वहां पे नर्तक हैं। वहां पे डांस परफॉर्मेंस करने के लिए ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक टीचर आएगा, कई दिन तक डांस परफॉर्मेंस कराएगा, ऐसे करो वैसे करो, एक पर्टिकुलर रिदम में नाचो। वहाँ नेचुरली सारे गायक हैं, सारे नर्तक हैं, हाँ, केवल बोलने की देर है चालू। वंशी भगवान की नृत्य संगनी है, बांसुरी को नहीं छोड़ते हैं, इसका मतलब वहाँ पे नाचना गाना खेलना कूदना हमेशा चलता रहता है। तो क्या काम धंधा नहीं करते? काम धंधा तो मेरे जैसे गधे करते हैं जो संसार में पड़े हुए हैं और सोच रहे हैं कि संसार को मैं ही चला रहा हूं, राइट? जो अपनी पिता की बात मान लेता है इस संसार के अंदर भी, वो बड़ा सुखी रहता है। और पिता का धन समृद्धि संभालने के दायित्व उसमें उसको अधिकार मिल जाता है, बिजनेस का, नौकरी का, या धन जो भी उन्होंने संचित किया है। इसलिए उसको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, केवल उसको अपने पिता का शरणागति रहना पड़ता है इस संसार के अंदर भी। तो सोचिए उस संसार में जहाँ सब कुछ परफेक्ट है, कोई व्यक्ति अपने पिता का शरणागति रहे, कृष्ण का शरणागति रहे, तो उसको फिर कुछ और करने की क्या आवश्यकता है? यदि वो कृष्ण को प्रसन्न करे सिर्फ, तो उसको हमेशा इस नाच गाने वाले माहौल में रह सकता है। लेकिन उसमें कहीं ना कहीं हमारे अंदर ईर्ष्या ईर्ष्या आ जाती है, जैसे इस संसार में आ जाती है कि क्यों, वाई दिस पर्सन ओनली, इसके पास ये क्यों है, ये सारी है ना, मेरे पास चाहे बहुत कुछ है लेकिन इसके पास ये क्यों है, इसको स्पेशल फेवर क्यों मिल रहा है, या मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ये चक्कर में हम इस संसार में भी दुखी रहते हैं। इसलिए ऐसे व्यक्ति वहाँ नहीं है, क्योंकि वहाँ पे बिल्कुल प्रसन्नचित, हर व्यक्ति अपनी अपनी पोजीशन में खुश है, गोपियाँ अपनी पोजीशन में खुश है। जो हनुमान जी हैं वो कहते हैं मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं अपनी इसी पोजीशन में खुश हूँ। तो सब लोग अपनी अपनी पोजीशन में खुश हैं, उसे कोई मतलब नहीं है कि भगवान किसको ज़्यादा समय दे रहे हैं, किसको नहीं दे रहे हैं, क्या नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उनको भगवान की सेवा में ही आनंद आ रहा है। इस प्रकार से ऐसा वहाँ का माहौल है कि भगवान वंशी को नहीं छोड़ते हैं, नित्य संगनी है। गोलोक वृंदावन सूर्य के समान तेजवान है स्वतः और दिव्य आनंद से पूर्ण है, एकदम तेजवान है। उसको सूर्य ऐसे आया ऐसे चला गया, सूर्य पे डिपेंडेंसी नहीं है, चंद्रमा पे डिपेंडेंसी नहीं है। जीवन की पूर्णता इस आध्यात्मिक लोक का आस्वादन करने में है। वो बात कर रहे हैं वास्तविक रूप से यदि आप कुछ आस्वादन भी करना चाहते हो तो क्या घटिया चीजों के पीछे पड़े हो, या तुच्छ स्वाद के लिए पड़े हो, मैथुनादि, हाँ, जो हमारे शास्त्र बोलते हैं तुच्छ स्वाद है, इसके पीछे क्यों पड़े हो? इस दिव्य स्वाद के लिए प्रयास कीजिए, हम सबको करना पड़ेगा और एक दूसरे को प्रेरित करना पड़ेगा कि दिव्य स्वाद जो अभी हमने सुना जो गोलोक के बारे में, ऐसा प्रभुपाद कह रहे हैं भौतिक जीवन की यही, हाँ, जीवन की पूर्णता इसे आध्यात्मिक लोक का आस्वादन करने में। आस्वादन करने का मतलब ये नहीं कि हम वहां पे जाके इंद्रिय तृप्ति करते हैं, वहां पे जाके हम अपना रोल निभाते हैं और उसमें बड़ा आनंद आता है। हर एक व्यक्ति को चाहिए कि इसके ज्ञान के विषय में ज्ञान का अनुशीलन करे। वृंदावन की आध्यात्मिक गौएं सदैव आध्यात्मिक दूध देने वाली है, वहां एक क्षण भी व्यर्थ नहीं जाता। दूसरे शब्दों में वहां भूत वर्तमान और भविष्य नहीं है। क्या हो गया? ओहो, आए थे घूमने के लिए, आए थे एक ट्रिप पे गए थे, ओहो दो दिन बीत गए, दिन समाप्त, फिर से वापस। वहां पर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वहां तो चलता रहता है, चलता ही रहता है, चलता है। भूत भविष्य नहीं है कि अब ये कुछ अच्छा समय आया है, ये अच्छा समय निकल गया, अब ये बुरा समय आया है, इस प्रकार का वहां पर नहीं है। और इस भौतिक जगत में समय का एक कण भी वहां पे व्यर्थ नहीं होता है। इस भौतिक जगत में उस भक्त उस दिव्य धाम की पूजा गोलोक वृंदावन के रूप में करते हैं। स्वयं ब्रह्मा जी भी कहते हैं कि मैं उस आध्यात्मिक लोक की पूजा करना चाहता हूँ जहाँ कृष्ण विद्यमान है। इस
दिव्य वृंदावन की प्रशंसा उन लोगों द्वारा नहीं की जा सकती जाती जो भक्त या स्वरूप सिद्ध नहीं है, क्योंकि यह वृंदावन धाम पूरी तरह आध्यात्मिक है और वहाँ भगवान की आध्यात्मिक लीलाएं होती हैं। ऐसे में कौन बीच में रंग में भंग करने आ सकता है, इसलिए वहाँ पे एंट्री बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। उनमें से कोई भी लीला भौतिक नहीं है। श्री नरोत्तम दास ठाकुर की प्रार्थना के अनुसार आर कबे निताई चांदेर करुणा करीबे, आर कबे निताई चांदेर करुणा करीबे, संसार वासना मोरा कबे तुच्छ हबे, विषय चाड़िया कबे शुद्ध अभिमाना, कबे हम हे रब श्री वृंदावन। तो क्या बता रहे हैं कि जब विषय छाड़िया कबे शुद्ध हम मन अब शुद्ध हबे मन, जब हम विषय को छोड़ेंगे यहाँ पर संसार की इच्छाओं को त्याग देंगे, तो कब उसको त्याग के मेरा हृदय शुद्ध हबे मन, मेरा हृदय शुद्ध होगा और कभी हम हेरवे श्री वृंदावन, तब मैं वृंदावन के दर्शन करता हूँ। ऐसे थोड़ी ही जाके वृंदावन पहुँच जाएंगे, मरे तो स्वर्ग लोग पहुँच गए, दो चार जप लिए तो आध्यात्मिक जगत में पहुँच गए, इतना आसान नहीं रहेगा, इसके लिए हमें भरसक प्रयत्न करना पड़ेगा। आर कभी नित्य चांदेर, कब मुझ पर प्रभु नित्यानंद मुझ पर कृपा करेंगे, जिसके जिससे कि मैं भौतिक आनंद की तुच्छता का अनुभव कर सकूं। यानी कि जब तक मैं यहाँ के आनंद को तुच्छ नहीं मानूंगा, तब तक मेरी अट्रैक्शन अटैचमेंट उस दिव्य आनंद के लिए नहीं होगी जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो ये भी जो मेरी डिस्टेस्टफुल है, बुरा लगने लगेगा यहाँ का स्वाद, ये कब लगेगा, जब गुरु मेरे पर कृपा करेंगे, जब हमारे आचार्य कृपा करेंगे, नित्यानंद प्रभु मेरे पर कृपा करेंगे, तब मुझे संसार के रस से नीरसता महसूस होगी, बुरा लगेगा। रूप रघुनाथ पदे हई व्याकुति कबे हाम बुझे से युगल प्रीति, कब मैं गोस्वामियों के उपदेशों के प्रति आकृष्ट होगा ताकि मैं समझ पाऊं कि राधा कृष्ण क्या है और वृंदावन क्या है। इस श्लोक से सूचित होता है कि यदि कोई वृंदावन को समझना चाहता है तो उसे पहले भौतिक इच्छाओं से शुद्ध होना पड़ेगा एवं सकाम कर्म और तार्किक ज्ञान के आकर्षण से मुक्त होना पड़ेगा। बुद्धि ज्ञान कर्म कांड विषय केवल विषय भांड इन सबसे मुक्त होना पड़ेगा। अप्राकृत नवीन मदन में अप्राकृत शब्द भौतिक विचार से सर्वथा विरुद्ध उस विचार का सूचक है। मायावादी इसे शून्य और निर्विशेष मानते हैं। अप्राकृत नवीन मदन में अप्राकृत को क्या मानते हैं, अप्राकृत से हम जब सोचते हैं हम बोलते हैं ना भगवान के नाम अप्राकृत है, इसका मतलब नहीं कुछ है ही नहीं, मतलब इस संसार से नहीं है, भगवान के जो है निर्गुण है, निर्गुण है मतलब इस संसार का गुण नहीं है। भौतिक जगत की प्रत्येक वस्तु जड़ है किंतु आध्यात्मिक जगत की चेतन है। भोग की इच्छा कृष्ण तथा उनके अंशों अर्थात जीवों में समान रूप से पाई जाती है। भोग की इच्छा, ध्यान से सुनिए, भोग की इच्छा कृष्ण में और उनके अंशों में समान रूप से पाई जाती है। आध्यात्मिक जगत में ऐसी इच्छाएं भी आध्यात्मिक होती हैं, ध्यान रखिए। इसलिए हम कह रहे थे कि ऐसा नहीं है कि आध्यात्मिक जगत में आके आपकी इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी, वहां पर इच्छाएं आध्यात्मिक रूप ले लेंगी। ऐसी इच्छाओं को किसी को भूल कर भी भौतिक नहीं समझना चाहिए। यदि इस भौतिक जगत में कोई व्यक्ति यौन सुख के प्रति उन्मुख है तो उसका भोग करता है तो वह भौतिक भोग क्षणिक होता है, कुछ ही मिनट के बाद उसका भोग समाप्त हो जाता है कि नहीं। भौतिक जगत में यौन सुख क्या है, थोड़ी देर का सुख है और थोड़ी देर में समाप्त हो जाता है, किंतु आध्यात्मिक जगत में यही भोग कभी ना समाप्त होने वाला है, उसका निरंतर भोग होता रहता है। आध्यात्मिक जगत में ऐसी काम वासना प्रत्येक नवीन विशिष्टता के साथ अधिकाधिक आस्वाद लगती है, क्योंकि वहां पे नवीनता है, यहाँ पर थोड़ी देर में बोरियत आने लग जाती है सेम काम से। किंतु भौतिक जगत में काम वासना कुछ ही मिनटों में स्वाद रहित हो जाती है और ये कभी भी स्थायी नहीं होती, क्योंकि कृष्ण आध्यात्मिक काम उन्मुख है। लेकिन ये ना समझिए कि आध्यात्मिक काम इस तरह का है जैसा कि भौतिक काम है, उससे कंपेयर नहीं कर सकते आप। यहाँ पे तो प्रजनन क्रिया है क्योंकि बच्चे पैदा होने हैं और यहाँ वहाँ पे बच्चे पैदा नहीं होने हैं इस प्रोसेस से, इसलिए वहाँ का काम और यहाँ के काम में बहुत अंतर है। वहाँ का काम जो है इटर्नल है, चलता ही रहता है, यहाँ में थोड़ी देर में स्वाद खराब हो जाता है। क्योंकि कृष्ण आध्यात्मिक काम उन्मुख प्रतीत होते हैं इसलिए आध्यात्मिक जगत में उन्हें नवीन कामदेव कहा जाता है। तो ऐसी इच्छा में कोई भौतिक उच्छृंखला नहीं रहती, इसको भौतिक काम मत समझिए, ये बताने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे भगवान की माधुर्य लीला है, ऐसा लगेगा कृष्ण बड़े कामुक व्यक्ति हैं, लेकिन आप उसको कंपेयर मत कीजिए यहाँ के रस से। जो कोई गायत्री मंत्र का जप करता है वह क्रमशः भौतिक बंधन छूट जाता है, दूसरे शब्दों में जो भगवंदन से छुड़ाए गए वही गायत्री है, जो भगवंदन से छुड़ाए वही गायत्री है।
गायत्री मंत्र की व्याख्या मध्य लीला में उपलब्ध है, काम गायत्री के बारे में। काम गायत्री मंत्र वैदिक स्तुति के समान है, किंतु यह साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। काम गायत्री तथा कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, जैसे कि हरे कृष्ण महामंत्र और भगवान में कोई अंतर नहीं है। अक्षरों द्वारा अंकित यह मंत्र भी कृष्ण है। इसके कारण मानव समाज में तथा सारे जीवों में इच्छा का विकृत प्रतिबिंब पड़ता है। इस मंत्र में कृष्ण को कामदेव पुष्प बाण क्लीम कामदेवाय विद्महे पुष्प बाणाय धीमहि तन्नो अनंग प्रचोदयात्। ये जो काम गायत्री का मंत्र यहाँ लिखा है, इस मंत्र में कृष्ण को कामदेव पुष्प बाण और अनंग कहा गया है। कामदेव मदन मोहन है, हम मदन को मोहने वाले जो कृष्ण के साथ हमारे संबंध को स्थापित करता है, यानी कि हम भगवान द्वारा भोग्य हैं। इस नित्य काम लीला में हम भी शामिल हैं या हो सकते हैं यदि हम स्वच्छ हो जाएं, शुद्ध हो जाएं तो। पुष्प बाण अर्थात फूलों का बाण धारण करने वाले गोविंद या भगवान है जो हमारी भक्ति को स्वीकार करते हैं। अनंग गोपीजन वल्लभ है। अनंग कौन है? गोपीजन वल्लभ, जो समस्त गोपियों को तुष्ट करते हैं और जीवन के चरम लक्ष्य है। यह काम गायत्री क्लीम काम देवाय विद्महे पुष्प बाणाय धीमहि तन्नो अनंग प्रचोदयात् इसी भौतिक जगत से जरा भी संबंधित नहीं है। आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नति होने पर मनुष्य अपनी शुद्ध इंद्रियों से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा कर सकता है और भगवान की इच्छाओं को पूरा कर सकता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आ जाओगे, ऐसा भगवान वचन देते हैं। और अंत में प्रभुपाद बता रहे हैं कि तब वेद माता गायत्री श्री कृष्ण की वंशी की दिव्य ध्वनि से प्रकट होकर स्वयंभू ब्रह्मा के कमल मुख से उनके 8 कानों से प्रविष्ट हुई। ब्रह्मा जी के 8 कान हैं। इस प्रकार कमल से उत्पन्न ब्रह्मा ने श्री कृष्ण की वंशी के संगीत से उत्पन्न गायत्री मंत्र को प्राप्त किया। यानी कि भगवान ने बांसुरी बजाई तो साधारण बांसुरी नहीं है, उससे गायत्री मंत्र निकला जो कि ब्रह्मा जी ने धारण किया। इस तरह उन्हें द्विज पद का प्राप्त हुआ। द्विज यानी कि भगवान ने बांसुरी बजा के ब्रह्मा जी को ब्राह्मण दीक्षा दे दी, क्योंकि उन्होंने परम और आदि गुरु साक्षात भगवान से दीक्षा ग्रहण करी। 3 वेदों से युक्त उस गायत्री के स्मरण द्वारा प्रकाशित होकर ब्रह्मा सत्य के समुद्र से अवगत हुए। तब उन्होंने स्त्रोत द्वारा समस्त वेदों के सार श्री कृष्ण की पूजा करी। कृष्ण की वंशी की ध्वनि वैदिक स्त्रोतों की उद्गम है। जैसे हमने सुना था कि जब गरुड़ देव अपने पंख को ऐसे फैलाते हैं तो उससे वैदिक मंत्र निकलते हैं, वैसे कृष्ण की जो बांसुरी निकलती है वैदिक स्त्रोतों की उद्गम है। कमल आसीन ब्रह्मा जी ने कृष्ण की ध्वनि वंशी की ध्वनि सुनी, जिससे वे गायत्री मंत्र द्वारा दीक्षित हो गए। तो समझने की बात इस समय ये थी कि इस प्रकार से भगवान एक ट्रांसेंडेंटल कामदेव है और दिव्य जगत में जो काम वासना है वो इस जगत की काम वासना जैसी नहीं है। यहाँ की काम वासना तुच्छ है, सुखम ही तुच्छम कहते ना मैथुन आदि। ये जो यहाँ का जो सुख है मैथुन का, ये जो सुख है सेक्स लाइफ का, ये तुच्छ है। और एज कम्पेयर टू जो दिव्य सुख है, दिव्य कामदेव, वहाँ पे दिव्य काम वासना है, यहाँ की काम जैसा नहीं है। वहाँ पे निरंतर उसमें बढ़ोतरी होती है, यहाँ पर स्वाद थोड़ी देर में खराब हो जाता है। यदि ऐसे जीवन को भोगना है तो पहले क्या करना पड़ेगा? विषय छाड़िया कबे शुद्ध हबे माना, तब इन चीज़ों के बारे में हम समझेंगे या वहाँ पे जाने के लिए अधिकारी बनेंगे। के लिए उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आराम आराम से करके, आराम आराम से सवेरे उठ के काम नहीं चलेगा, उसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आइए हम सब एक साथ ऐसा करने का प्रयास करें। श्री प्रभुपाद की जय। श्री चैतन्य चरितामृत की जय।